तो रिसेंटली मैं गया था भाई अभी अभी कुछ टाइम पहले साइमन के शोरूम पे, और मैं ऐसे यार भटक रहा था सड़क पे एंड साइमन का शोरूम देखा, तो मैंने सोचा चलो साइमन से मिल के आते हैं। एंड तभी मुझे पता चला कि भाई साइमन ने एक बहुत ही बढ़िया वाला ऑफर निकाला था। साइमन भाई दे रहा था एक ऑडी R8, वो भी भाई सिर्फ 1 करोड़ के अंदर ही। यस, ऑडी R8 अच्छी खासी महंगी सी गाड़ी है एंड काफ़ी रेयर है यार, लॉस एंजेलोस में बड़ी मुश्किल से बिकती है। बट भाई साइमन 1 करोड़ के अंदर ही ऑडी R8 दे रहा था, और साथ में ऑफर बहुत ही तगड़ा था, ऑडी R8 खरीदो एंड साथ में एक बाइक फ्री। बताओ भाई, ये ऑफर चल रहा था मेरे सामने और तुम्हें लग रहा है मैं ये ऑफर छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैंने ये ऑफर फटाक से ग्रैब कर लिया एंड 1 करोड़ में मैंने खरीद ली Audi R8 साइमन के शोरूम से येलो कलर में। एंड जो बाइक उसके संग फ्री मिली है वो भी एग्जैक्टली येलो कलर में है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। फिलहाल जरा चलते हैं, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ यार अपनी ब्रांड न्यू Audi R8, रेडी हो जाओ भाई, बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड साथ ही साथ जो बाइक मिली है उसके संग वो तो और भी बढ़िया है। चलते हैं फटाफट से बाहर, लेट्स गो। चलो 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 चलो, Audi R8 ये रही भाई। ओए ओए, ये रही क्या? ओए रुक जाओ, ओए कौन है भी तू? ओ नो, अबे मेरी गाड़ी थी भाई वो। हेलो, अबे वो बंदा कहाँ लेके गया मेरी गाड़ी? ओ रोक ओए, मेरी गाड़ी रोक दे। अबे यार वो तो ले गया। अबे ओए रोक भाई। ओ नो, एक सेकंड, उसका पीछा करना पड़ेगा। अबे यार कोई गाड़ी आ भी तो नहीं रही है, एक सेकंड गैराज से मैं अपनी बाइक निकाल के लाता हूँ। अरे यार तब तक तो वो बहुत आगे तक निकल जाएगा। अरे भाई वो बहुत आगे तक निकल जाएगा, कोई गाड़ी आ भी तो नहीं रही। अबे वो गाड़ी कहाँ से गई? अबे छोड़ो, फटाफट से अपनी बाइक निकालते हैं। अरे गैराज भाई जल्दी खुल, मेरी Audi R8 ले गया चुरा के, अभी ब्रांड न्यू खरीद के लाया था। यार चोरियां कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं भाई लॉस सैंटोस में, घर के आगे से गाड़ी चोरी हो गई यार। ओए Audi R8 के बच्चे, कहाँ ले गया मेरी गाड़ी? ओ दे ओए। अबे यार अब इधर से वो कहाँ ले गया होगा चोर, इधर की इधर? पता नहीं, इधर चल के देखते हैं एक बार। अब इधर से वो इधर ले गया होगा कि इधर? अरे भाई कैसे पता लगेगा? ओह नो, मेरी ब्रांड न्यू भाई अभी तो खरीद के लाया था थोड़ी देर पहले साइमन के शोरूम से मस्त ऑफर के अंदर, Audi R8 ले गया वो। अभी तो मैंने तुम लोगों को दिखाई भी नहीं थी भाई वो गाड़ी, उससे पहले ही चोरी हो गई एंड जस्ट मेरे घर के आगे से चोरी हुई है, यही तो थी बट येलो कलर में एंड मेरी थी वो गाड़ी। पता नहीं कहाँ वो ले गया चोर का बच्चा, एक बार मेरे हाथ में आ जाए भाई सीरियसली मैं छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। एक सेकंड, दूसरे वाले रास्ते पे चल के देखते हैं फटाफट। एक तो टकरा भी गया मैं, जल्दी इस वाले रास्ते पे कम ऑन, लेट्स गो क्विकली। इस वाले रास्ते पे ले गया है क्या चोर भाई? तू मेरी Audi R8 दे दे यार, अभी तो मैंने खुद उसकी टेस्टिंग नहीं की थी। किस रास्ते पे ले गया होगा वो चोर? भाई गाड़ी गई मेरी, अब नहीं मिलने वाली वो वापस कभी भी। ओह नो, मेरी किस्मत इतनी वाहियात क्यों है? सीरियसली में मेरी किस्मत इतनी वाहियात क्यों है यार? अभी उसकी ऑफ रोड टेस्टिंग, उसकी स्पीड टेस्टिंग भी कुछ नहीं की थी एंड चोरी हो गई। अबे लेकिन चाबी तो मेरे पास थी, वो चोर लेके कैसे गया? कैसे लेके गया वो मेरी Audi R8, लेकिन ले गया यार। अब क्या करूँ मैं, पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी और क्या। चलो भाई लॉस सैंटोस के पुलिस स्टेशन निकलते हैं। यस, फटाफट से पुलिस स्टेशन निकलते हैं एंड पुलिस कंप्लेंट करते हैं। थैंकफुली मेरे पास एक ये बाइक है, इससे मैं पुलिस स्टेशन तो जा सकता हूँ। सही है यार, साइमन Audi R8 के साथ ये वाली बाइक फ्री दे रहा था, वरना तो मैं पुलिस स्टेशन भी नहीं जा पाता, टैक्सी लेके जाना पड़ता पुलिस स्टेशन। ओके, पुलिस स्टेशन निकलते हैं एंड क्या कहूँगा मैं, सर मेरी Audi R8 ब्रांड न्यू घर के आगे चोरी हो गई, जिसको मैं ऑफर में खरीद के लेके आया था, 1 करोड़ के अंदर Audi R8 लाया था, उसके संग ये बाइक फ्री मिली थी, वो गाड़ी चोरी हो गई। हाँ भाई ऐसा ही बताएंगे। चलो निकलते हैं फटाफट से पुलिस स्टेशन की तरफ, लेट्स गो गाइस, देखते हैं पुलिस वाले कब तक मेरी Audi R8 ढूंढ पाते हैं। पहुंचने वाला हूँ भाई लॉस एंजेलोस के पुलिस स्टेशन, मेरे राइट साइड में है ये रहा पुलिस स्टेशन। चलो भाई आ गए फाइनली, जल्दी से चल के कंप्लेंट करते हैं फटाफट। इतनी सारी साइकिल किसकी है भाई? काफ़ी सारे साइकिलिस्ट आए हैं भाई कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन में, पता नहीं क्या सीन है। हेलो सर, मुझे कंप्लेंट करनी थी। सर मेरी Audi R8, बिल्कुल ब्रांड न्यू Audi R8, जिसको मैं आज ही खरीद के लाया था सर, वो मेरे घर के आगे से चोरी हो गई है। यस सर, लोकेशन आपको देखनी है? बता दो रहा हूँ, मेरे घर के आगे से चोरी हुई है। अच्छा, मेरा घर कहाँ पर है ये आपको चेक करना है? आप पता लगा लोगे सर कितना टाइम लगेगा आपको चोर को ढूंढने में? टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। क्यों सर? अभी फ़िलहाल आप मेरे घर पर चलने वाले हो, वो किस लिए?
ओके गाइस, तो यहाँ पर भाई ये पुलिस वाला कह रहा है कि सबसे पहले हमें लोकेशन देखनी पड़ेगी कहाँ से तुम्हारी गाड़ी चोरी हुई है, फिर उसके आजू बाजू ये देखेंगे कि कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह है, फिर उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वगैरह चेक करेंगे एंड देन फिर ये लोग चोर को पकड़ेंगे। ठीक है सर, आप मेरे घर चल सकते हो, आ जाओ। यस सर, आ जाओ फटाफट से, मैं आपको अपने घर की लोकेशन बताता हूँ। सीसीटीवी कैमरा मेरे घर के आजू बाजू, हाँ होगा यार, किसी ना किसी का तो होगा ही सीसीटीवी, आराम से मिल जाएगी फुटेज सर आपको। लेकर आओ सर, आप अपनी पुलिस की गाड़ी लेकर आओ, चलता हूँ मैं अपनी बाइक में। क्या हो गया, पुलिस की गाड़ी नहीं ला सकते? क्यों, क्या हो गया? पुलिस की साइकिल ले जाओगे? वेट व्हाट, पुलिस की साइकिल? ये कब से हो गया? पुलिस वालों की गाड़ी है, कहाँ गई सर? हेलो एक्सक्यूज मी, क्या हो गया सर, पुलिस वालों की गाड़ी कहाँ गई? क्या, अरे यार ये तो कह रहा है आजकल पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। यस गाइस, लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट के काफ़ी बुरे दिन चल रहे हैं। इनके पास भाई बिल्कुल भी फंड्स नहीं है एंड बिल्कुल भी जो भी गाड़ी वाड़ी थी सब बेचनी पड़ गई है। अब लॉस सैंटोस की पुलिस के पास ना हेलीकॉप्टर बचा है, ना कोई इमरजेंसी व्हीकल बचा है, इनके पास बची है तो सिर्फ और सिर्फ ये साइकिल्स। एंड ये लोग अब क्रिमिनल्स वगैरह को भी इसी साइकिल पे बैठ के पकड़ते हैं, उनका पीछा भी ये लोग इन्हीं साइकिल्स पे ही बैठ के करते हैं। सीरियसली में सर, सीरियसली में क्या? अरे ठीक है, तो आप अपनी साइकिल पे आओ, मैं अपनी बाइक पे आता हूँ। ठीक है सर। सर जाओ, आप अपनी साइकिल से आओ, मैं अपनी बाइक से चलता हूँ। पता नहीं यार क्या ही हो गया है यार लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट की हालत। तुम लोग देखो भाई, पुलिस वाले साइकिल से अब चोर पकड़ेंगे। सर उधर कहाँ जा रहे हो? इधर आना था। अबे वो कहाँ चला गया यार पुलिस वाला? हेलो सर, हेलो एक्सक्यूज मी सर, अरे सर आप कहाँ चले गए? अरे सर मेरे घर की लोकेशन इधर है। अरे यार ये कहाँ चला गया? अबे ये रहा। सर आपको उस ब्रिज के ऊपर से चलना पड़ेगा, आ जाओ सर फटाफट से आ जाओ। यार क्या हालत हो गई है भाई पुलिस वालों की, साइकिल से चलेगा क्या भाई ये मेरे घर? भाई ये तो कई साल लग जाएंगे उस चोर को पकड़ने में ही। सीरियसली में भाई ये तो कई साल क्या, कई जन्म लग जाएंगे मेरे घर तक पहले पहुंचने में ही भाई, फिर उसके बाद उस चोर को भी पकड़ना है। अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा गलत सीन चल रहा है भाई लॉस सैंटोस के पुलिस वालों के संग। भाई मुझे कुछ करना पड़ेगा यार, वरना लॉस सैंटोस को तो बर्बाद कर डालेंगे सारे के सारे चोर मिलके। लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट अभी पूरा कंगाल हुआ पड़ा है। ये देखो भाई, मैं फुर निकल जाऊँगा बाइक में, पुलिस वाले भाई साइकिल से अपना धीरे धीरे स्लोली 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 आते रहेंगे। चोर भाई कितनी आराम से निकल सकता है, बल्कि पुलिस वालों को पीट के चोर बाइक पे बैठ के आराम से फुल स्पीड में निकल जाएगा एंड पुलिस वाले भाई पकड़ भी नहीं पाएंगे। वो देखो पुलिस वाला कैसे आ रहा है यार, साइकिल चलानी पड़ रही है। सर रहन दो, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ, मैं गाड़ी अपनी खुद ढूंढ लूंगा। अभी तो पहले आप लोगों की प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी पड़ेगी, आप लोगों की हालत बहुत ख़राब है इस वक्त। कोई बात नहीं, मैं लॉस सैंटोस की पुलिस को बहुत ही ज़्यादा रिच बनाऊंगा। सर आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लॉस सैंटोस के पुलिस वालों के पास इस वक्त बाइक्स भी नहीं है, लेकिन आप देखना मैं आज लॉस सैंटोस के पुलिस वालों को इतना ज़्यादा रिच बना दूंगा कि उनके पास भाई सुपर कार होंगी चोरों को चेस करने के लिए, फिर से उनके पास तगड़े तगड़े हेलीकॉप्टर्स होंगे चोरों को पकड़ने के लिए। सर आप वापस जाओ, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ। अभी तो फिलहाल मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि लॉस सैंटोस की पुलिस को अमीर कैसे बनाया जाए। जाओ सर आप जाओ, बिंदास जाओ, मैं निकलता हूँ अपने घर। किस तरीके से, आखिर किस तरीके से बनाया जाए लॉस सैंटोस के गरीब पुलिस वालों को अमीर? भाई साहब एक जमाना हुआ करता था भाई पुलिस वालों का, इनके पास एक से एक बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त पुलिस वाली कार्स होती थी, पुलिस स्पेशल कार्स होती थी। फिर इसके अलावा भाई इनके पास एक से तगड़े तगड़े फास्ट चेजिंग वाले हेलीकॉप्टर्स हुआ करते थे, पुलिस की एपिक वाली बाइक होती थी, वैन होती थी स्वैट सोल्जर्स के पास, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी वो वैन। एंड आज भाई पुलिस वालों की हालत देखो, साइकिल पे आ गए हैं भाई, साइकिल पे, बाइक वाइक गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं है इनके पास, साइकिल से चोरों को पकड़ना पड़ रहा है। क्या ही चोर पकड़ेंगे ये लोग? नहीं नहीं मुझे ये हालत सुधारनी पड़ेगी भाई, लॉस सैंटोस के पुलिस वालों को साइकिल से फिर से मुझे कार पे लाना होगा एंड मैं उनको वापस से पुअर पुलिस से रिच बना के रहूंगा। लेट्स गो। फिलहाल तो मेरी बाइक कहाँ हो गई इन झाड़ियों में, वो ढूंढना पड़ेगा। अरे कहाँ गई? वो रही यार, वो रही, बाहर गिरी पड़ी है। कैसे, लेकिन कैसे बनाया जाए यार लॉस सैंटोस की पुलिस को पुअर से रिच? लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट से भाई एक्स्ट्रा फंड्स मांग के, लेकिन वो लोग उन्हें फंड्स नहीं दे रहे, मुझे क्यों फंड्स देंगे? कुछ तगड़ा करना पड़ेगा, कुछ तगड़ा प्लान करना पड़ेगा भाई। मुझे लग रहा है आई गेस लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को उठाना पड़ेगा भाई। यस, लॉस सैंटोस का जो प्रेसिडेंट है
उसे मैं किडनैप कर लेता हूँ एंड बदले में ये कहूँगा कि मैं तुझे भाई तभी छोड़ूंगा जब लॉस सैंटोस के पुलिस वालों के तू फंड्स इंक्रीज कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम बताऊँ क्या है भाई, प्रॉब्लम तब भी रहेगी ये फंड्स वाली, क्योंकि मान लो चलो फंड्स वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई जैसे तैसे, बट मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी भाई। प्रेसिडेंट को एक बार किडनैप कर लिया फिर उसके गार्ड्स मेरे को नहीं छोड़ेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिनेरियो हो जाएगा, तो ये आइडिया तो हम लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। हाँ हो सकता है मैं पुलिस के हेड को या फिर पुलिस के चीफ को किडनैप करूँ, लेकिन यार ये किडनैपिंग वाले प्रॉब्लम से पुलिस वाले यहाँ के रिच थोड़ी ना हो जाएंगे। नहीं नहीं कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और क्या करना पड़ेगा। साइमन से मैं सस्ती गाड़ियाँ खरीद सकता हूँ पुलिस वालों के लिए। नहीं यार साइमन कहाँ सस्ती गाड़ियाँ देगा, सस्ती भी देगा तो 20-30 लाख से कम थोड़ी ना देगा, एंड पुलिस वालों के लिए कम से कम 30-40-50-100 गाड़ियाँ चाहिए। इतनी गाड़ियों में तो मेरा घर वर सब कुछ बिक जाएगा। नहीं 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 ये प्लान भी बेकार है। एक काम हो सकता है, हम लोग जो स्क्रैप यार्ड में गाड़ियाँ नहीं पड़ी रहती उनको स्क्रैप से मस्त अपग्रेड वपग्रेड करवा के पुलिस वालों को दे सकते हैं, लेकिन फिर से भाई प्रॉब्लम है उनको अपग्रेड करने में खर्चा आएगा। मुझे कोई ऐसा बंदा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो चीज़ों को अपग्रेड वगैरह कर सके बढ़िया तरीके से, या फिर कुछ और। एक सेकेंड, मैं लॉस सैंटोस के ह्यूमन लैब्स के साइंटिस्टों से जाके मिलूँ क्या भाई, उनके पास कोई ना कोई तो चीज़ होगी भाई जिससे वो लोग सस्ते में गाड़ियाँ बना सकते हैं, या तो किसी टूटी फूटी गाड़ी को मस्त रिपेयर कर सकते हैं एक आध सेकंड के अंदर। भाई वो लोग बना सकते हैं ऐसी मशीनरी, चलते हैं यार फटाफट ह्यूमन लैब्स के साइंटिस्टों के पास, वो लोग डेफिनेटली ऐसा कुछ बना सकते हैं जिससे भाई स्क्रैप कार एक तरफ से डालो और दूसरी तरफ वो स्क्रैप कार एकदम मस्त फुल्ली रिपेयर्ड पुलिस कार में चेंज होके आएगी। यस ऐसा हो गया तो मज़े ही आ जाएंगे। फिलहाल मेरी गाड़ी कहाँ गई, मतलब मेरी बाइक कहाँ गई, बाइक तो मिल गई, उनसे बातचीत करके उनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करवानी पड़ेगी भाई। चलो 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 क्विकली लेट्स गो। पहुँचने वाले हैं भाई ह्यूमन लैब्स की तरफ, बस थोड़ी ही दूर है यहाँ से, एंड बाइक भगाते भगाते पहुँच गया यार मैं जल्दी। देखते हैं ह्यूमन लैब्स वाले कुछ अपनी हेल्प वेल्प कर पाते हैं कि नहीं, उम्मीद तो वैसे मुझे कम ही है भाई, लेकिन फिर भी एक बार चल के देख लेते हैं। चलो भाई आ गए। वैसे मैं लॉस सैंटोस की पुलिस की इतनी हेल्प क्यों करना चाह रहा हूँ, मैं भाई लॉस सैंटोस की पुलिस की हेल्प नहीं करना चाह रहा, मैं लॉस सैंटोस के लोगों की हेल्प करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लॉस सैंटोस में तुम लोगों को पता ही है ऑलरेडी कितनी सारी गैंग्स है भाई, ग्रीन गैंग, लॉस गैंग, बेलास गैंग, वाइट गैंग, पता नहीं क्या क्या गैंग्स चलती रहती हैं, एंड उन लोगों को अगर पता चल गया कि लॉस सैंटोस की पुलिस की ऐसी हालत है वो भाई तबाही मचा देंगे लॉस सैंटोस में। क्योंकि तुम लोग खुद सोचो भाई, जब पुलिस वालों के पास ना ही बाइक है ना ही कार है तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास गन्स वगैरह की भी कमी होगी, गोलियों की भी कमी होगी भाई, तो ऐसी हालत में पुलिस वाले क्या ही बिगाड़ पाएंगे चोरों का, एंड गैंग्स वाले किस तरीके से तबाही मचा सकते हैं। इसलिए मैं लॉस सैंटोस की पुलिस की हालत सुधारना चाह रहा हूँ बस, ताकि लॉस सैंटोस के अंदर जो भी भाई स्टेबिलिटी चल रही है वो स्टेबिलिटी ना बिगड़े, वरना तो हर तरफ गैंग्स वैंग्स का ही कब्जा होगा, उनके पास गाड़ियां भी है, वैंस भी है, एंड गन्स भी है, तो वो तो तबाही मचा देंगे, वो तो नहीं रुकने वाले। इसीलिए मैं लॉस सैंटोस की पुलिस को रिच बनाना चाह रहा हूँ। फिलहाल आ चुके हैं ह्यूमन लैब्स के अंदर, एंड फटाफट से चलते हैं ह्यूमन लैब्स के साइंटिस्टों से बात करते हैं, एंड देखते हैं वो लोग कोई गाड़ी वाड़ी को रिपेयर करने का कुछ सिस्टम बना सकते हैं क्या। इतने सारे साइंटिस्ट वहाँ पर क्यों हैं, क्या सीन है वो, एक सेकंड जरा चल के देखते हैं। इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों हैं ह्यूमन लैब्स के अंदर आज, ओ तेरी भाई कितनी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ये कौन बंदा है पता नहीं भाई क्या कर रहा है ये बंदा है यहाँ पे। हेलो सर हू आर यू, मैं क्यों उससे पूछ रहा हूँ, वो तो साइंटिस्ट भी नहीं लग रहा। साइंटिस्ट तो यहाँ पर देखे मैंने अभी, ये यहाँ पर साइंटिस्ट कर क्या रहे हैं इस कंटेनर के साथ, क्या है भाई ये कंटेनर जरा बताओगे मेरे को भाई। और मस्त लाइट वाइट सी चालू है यार इसके अंदर तो, और बढ़िया सी जगह है यार ये, इधर डिस्को डांस करने का मन कर रहा है इधर। लेकिन एक सेकंड ये डिस्को के लिए तो नहीं होगा ऑब्वियस सी बात है भाई, क्या कर रहे हो ये, क्या बनाया तुम लोगों ने, कुछ बनाया है ये स्पेशल जरा मेरे को भी बताओगे, ये एक सीक्रेट प्रोडक्ट है। अबे सीक्रेट मेड से क्यों छुपा रहे हो भाई, सीक्रेट हुआ तो क्या हुआ एक बार बताओ तो सही, क्या चीज है बता दो भाई यार प्लीज, सीरियसली में भाई साहब किस्मत तो देखो भाई मेरी और साथ ही साथ लॉस सैंटोस के पुलिस वालों की, जिस चीज की तलाश में मैं यहाँ पर आया था वो चीज ही बनाई है भाई इन आज ह्यूमन लैब्स के साइंटिस्टों ने। ये लोग कह रहे हैं कि काफी दिनों से ये लोग इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे एंड आज फाइनली ये प्रोडक्ट रेडी हुआ है, एंड
इसकी टेस्टिंग भी ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एंड काफी बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट काम कर रहा है। मैं बताता हूँ प्रोडक्ट क्या है। इस प्रोडक्ट से हम लोग भाई किसी भी स्क्रैप कार, किसी भी टूटी फूटी गाड़ी को फुल्ली रिपेयर कर सकते हैं एंड उसे एकदम चमकती हुई बढ़िया गाड़ी बना सकते हैं। बाकी ये कैसा कोइंसिडेंस है भाई, जिस दिन मैं इनके पास हेल्प मांगने के लिए आया हूँ उसी दिन भाई इनका प्रोडक्ट रेडी हुआ है, ये गाड़ी रिपेयर करने वाला। क्या मस्त प्रोडक्ट है, एक बार सर टेस्टिंग कर सकता हूँ क्या मैं? थैंक यू सर। वैसे ये सारी गाड़ी आप लोगों ने स्क्रैप से ही बनाई है क्या? यस। अरे वाह, और कुछ असली है? कुछ असली है एंड कुछ स्क्रैप से बनाई है। रुको, ये वाली गाड़ी है, इसको जरा तोड़ के लाते हैं। सर इसको जरा मैं तोड़ के लाऊं क्या? ये रिपेयर कर देगा आपका ये कंटेनर? हाँ मतलब वही रिपेयरिंग चैम्बर रिपेयर कर देगा ये? ओके अभी लाता हूँ इसे तोड़ के। चलो भाई इस गाड़ी को पूरा तोड़ के चकनाचूर कर दिया जाए। ओके फ्रंट बिगाड़ दिया मैंने पूरी गाड़ी का, ब्लास्ट नहीं करना है भाई, लेकिन ब्लास्ट से भी वो रिपेयर कर देगा आई गेस वो मशीन जो है। एंड हियर वी गो। आगे से तो भाई इसका हुलिया बिगाड़ दिया मैंने गाड़ी का पूरा ही, अब पीछे से हुलिया बिगाड़ते हैं जरा। कम ऑन, रेडी, हियर वी गो। बहुत ही बढ़िया गाड़ी चकनाचूर हो गई है भाई। एक बार जरा पहाड़ से और गिरा दूँ, मज़ा सा आ जाएगा और ज़्यादा फील आएगा कि हाँ देखते हैं ये गाड़ी पूरी रिपेयर हो पाती है कि नहीं। भाई वैसे क्या किस्मत है यार लॉस सैंटोस के पुलिस वालों की, आज ही ये मशीन रेडी हुई है। एंड अब देखो मैं क्या करता हूँ, अगर ये मशीन ने बढ़िया तरीके से काम किया ना भाई, मैं जितनी भी लॉस सैंटोस में स्क्रैप कार्स पड़ी होंगी स्क्रैप यार्ड में, उन सारी गाड़ियों को लाऊंगा एंड देन रिपेयर करूंगा भाई, एंड वो गाड़ी हम लोग गिफ्ट कर देंगे लॉस सैंटोस के पुलिस वालों को। फिलहाल ये चकनाचूर कर दिया भाई मैंने गाड़ी बहुत ही बुरी तरीके से। एक बार और पहाड़ से गिराना बनता है। नहीं 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 भाई, इंजन से धुआं आ रहा है, गाड़ी ब्लास्ट हो सकती है। ओ ब्लास्ट नहीं, प्लीज़ 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 ब्लास्ट नहीं, नहीं 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 प्लीज़। इसकी आग बुझा के लाता हूँ, रुको भाई तेज भगाते हैं ताकि इसके अंदर ये जो आग लगी है बुझ जाए। प्लीज़ ब्लास्ट नहीं, प्लीज़ ब्लास्ट नहीं, ब्लास्ट नहीं करना है, ब्लास्ट नहीं करना है, क्योंकि ब्लास्ट होगी तो मैं भी चला जाऊँगा भाई इसके साथ साथ। अरे बुझ जाए यार, आग ही नहीं बुझ रही इसकी, आगे वाली पीछे वाली आग तो बुझ गई भाई हवा से, ये वाली भी बुझ जाए मज़ा आ जाएगा। आग क्यों नहीं बुझ रही है ये? अरे बुझ जाए यार आग भाई, क्या करके मानेगी आग? गाड़ी तो अभी भी चल रही है यार, गाड़ी काफ़ी अच्छी थी ये। ओके चलो आग बुझ गई, अब हम लोग टेस्टिंग करेंगे भाई कि आखिरकार ये गाड़ी फुल्ली रिपेयर हो पाती है या फिर नहीं उस रिपेयरिंग चैम्बर के अंदर। लेट्स क्विकली गो। चलो भाई नैन लैब्स के साइंटिस्टों ने भाई वैसे बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाई है, हाँ अगर ये वर्क कर जाए तब, अभी फ़िलहाल तारीफ़ करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। चलो सर लेकर आऊँ मैं ये गाड़ी, थैंक यू। ओके आ गए भाई इसे लेकर, एंड अब क्या करना है सर? बाहर आ जाऊँ मैं गाड़ी से? आ गया, अब इस गाड़ी को ऐसे ही छोड़ देना है। एंड अब क्या ये गाड़ी खुद ही रिपेयर होगी? ओके बटन प्रेस करना पड़ेगा। कौन कर रहा है बटन प्रेस? आप? ओके करो सर, देखते हैं गाइस क्या होता है। आई हैव नो आइडिया, होप फॉर द बेस्ट। हो गई क्या? हो गई रिपेयर? हो गई? ओ तेरी, ओ भाई सीरियसली हो गई है तो? अरे वाह, और एकदम इंजन विंजन सब कुछ ठीक हो गया भाई, क्या मशीन बना दिया भाई ह्यूमन लैब्स वालों ने, एकदम अल्टीमेट खतरनाक ब्यूटीफुल। ओ भाई साहब, अरे उसके ऊपर कौन गाड़ी रख के चला गया ये? खैर जो भी हो, कुछ भी कहो भाई, बहुत ही क्रेजी मशीन बनाई है ह्यूमन लैब्स के साइंटिस्टों ने, एकदम अल्टीमेट ब्यूटीफुल। सर मेरा एक प्रपोजल था आप लोगों को, अगर आप बुरा ना मानो तो इस मशीन का यूज़ करके मैं ज़रा 30-40 गाड़ियाँ बना सकता हूँ क्या? मैं शोरूम में नहीं बेचने वाला। आ रहा है भाई छोटी सोच रह गई तुम्हारी, मैं शोरूम में नहीं बेचने वाला, एक्चुअली मैं वो गाड़ियाँ लॉस सैंटोस के पुलिस वालों को गिफ्ट करना चाह रहा हूँ। आप लोगों को शायद पता नहीं है लेकिन लॉस सैंटोस के पुलिस की हालत इस वक्त बहुत ही ख़राब है, बेचारे पूरे कंगाल हो रखे हैं, ऐसी उनकी हालत है सर कि चोर को वो लोग साइकिल पे बैठ के पकड़ रहे हैं, बताओ आज के जमाने में ऐसा हाल हो रखा है उन पुलिस वालों का। तो क्या मैं इस मशीन का यूज कर सकता हूँ? मना कर रहे हो सर आप लोग? सर प्लीज बस 50 गाड़ियाँ बस। अरे मान गए भाई साइंटिस्ट वाले मान गए, पुलिस की गाड़ी बनाने के लिए लोग तैयार हो गए। सर वैसे ये क्या गाड़ी का हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं इस मशीनरी के अंदर? यस, तो ठीक है फिर तो पुलिस की गाड़ी बनानी है। चलो 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 भाई फटाफट से निकलते हैं एंड स्क्रैप यार्ड से ज़रा गाड़ी वाड़ी लेकर आते हैं एंड देखते हैं क्या ये मशीन, क्या ये अपग्रेडिंग वाला चैम्बर गाड़ी को भाई फुल्ली ये क्या हो गया, फुल्ली रिपेयर करके पुलिस कार बना सकता है कि नहीं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो पहले कहाँ जाना पड़ेगा मुझे, हाँ वो प्लेन वाली जगह पे, वो जो स्क्रैप यार्ड है, वो प्लेन वगैरह के भी स्क्रैप पड़े रहते हैं, वहाँ जाना पड़ेगा, पास पे ही है वो जगह, यहाँ से पता नहीं कितनी पास में है, देखना पड़ेगा यार। ओ यहाँ पर एक स्टोर भी है,
प्लेन वाली जगह, वो तो रही, वो तो दिख रहे भाई प्लेन। चलो चलो पास में ही, पास में ही है। चलो 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 क्विकली वहां से किसी बड़े से ट्रक पे लोड करके लाएंगे भाई बहुत सारी स्क्रैप्स। गाड़ियों के स्क्रैप्स बहुत सस्ते में मिल जाते हैं बिना ज्यादा कीमत के। एंड मैं यहाँ पर पता नहीं क्यों उड़ रहा हूँ भाई, बार बार गाड़ी से टकरा के मैं सीधे इतनी ज्यादा हवा में उछल के गया कि भाई पैराशूट ओपन करके लैंडिंग करनी पड़ी है मुझे। फिलहाल यहाँ से गाड़ियों की ये देखो कितने सारे स्क्रैप्स है भाई, सब कितने हैं ये, 10-12 स्क्रैप्स तो यहाँ होंगे, 10-12 यहाँ होंगे एंड 10-12 के करीब भाई इधर की तरफ भी मिलने वाले अपने को स्क्रैप्स। तो स्क्रैप्स की तो कोई कमी नहीं है भाई, 30-40 तो स्क्रैप्स यहीं से इकट्ठे हो जाएंगे एंड सबको रिपेयर करके हम लोग बनाएंगे पुलिस कार। एक ट्रक लेकर आते हैं एंड बाइक को फिलहाल अपनी यहीं पर छोड़ देते हैं, एक ट्रक लेकर आते हैं, ट्रक के ऊपर लोड करके इन सारे के सारे स्क्रैप्स को ले जाने की कोशिश करते हैं। चलो भाई चलो 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 फटाफट करना है सारा काम, जल्दी 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 ट्रक लेकर आता हूँ मैं। ओके ट्रक मिल गया, अब ट्रक पे भाई स्क्रैप्स लोड करते हैं, एटलीस्ट 10 स्क्रैप्स तो लोड कर ही दूंगा मैं। चलो भाई उधर उधर वाले स्क्रैप्स पहले लेकर आते हैं। अरे यार टो वैन कुछ है भाई, रखवा दो यार स्क्रैप्स, भाई पैसे दे रहा हूँ रखवाओ यार, तुम लोग क्या सिगरेट फूंक रहे हो, रखवाओ स्क्रैप्स। चलो सोचा तो था कि भाई एटलीस्ट 10 गाड़ियाँ रख के ले जाऊंगा मैं यहाँ से, बट 8 ही गाड़ियाँ आ पाई भाई हमारे इस ट्रक पे, बट फिर भी ठीक है यार 8 गाड़ियाँ भी बहुत है। एंड देखो क्या एक से एक गाड़ियाँ मैंने लोड करवाई हैं। एंड कम ऑन अभी हमें यहाँ से निकलना है ह्यूमन लैब्स की तरफ, वहाँ के साइंटिस्टों ने जो अल्टीमेट चीज़ करके दिखाई है उस चीज़ का यूज़ करके इन गाड़ियों को पुलिस के लिए अपग्रेड करना है। चलो भाई वैसे क्या सही टाइमिंग थी भाई लॉस सेंटोस के ह्यूमन लैब्स के साइंटिस्ट्स की, भाई आज ही के दिन ये मशीन रेडी हुई है एंड आज ही मुझे बहुत सारी गाड़ियों की ज़रूरत थी, क्या बात है मज़ा ही आ गया। चलो इधर से इधर एंड पता नहीं वैसे ये लॉस सेंटोस के सारे पुलिस स्टेशन की यही हालत थी कि सिर्फ जिस पुलिस स्टेशन पे मैं रिपोर्ट लिखवाने गया था वहीं पे ये हालत थी, मुझे लग रहा है सारे पुलिस स्टेशन की यही हालत होगी। तभी तो भाई वो बंदा कह रहा था कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कंगाली में घूम रहा है। तो मुझे भाई लगता है 40-50 गाड़ियों से काम नहीं होगा। फिलहाल एक काम करता हूँ इस पुलिस स्टेशन पे अभी ध्यान देते हैं, बाकी पुलिस स्टेशन के लिए तो है ही भाई बाकी पुलिस वाले, जैसे पुलिस वालों को पता लगेगा इस मशीन के बारे में वो तो खुद ही आ जाएंगे यहाँ पर। चलो चलो भाई इससे हालत तुम लोग देख लेना भाई एकदम बढ़िया तरीके से सुधर जाएगी। लेट्स गो क्विकली एंड हियर वी गो। अरे एक और गाड़ी रिपेयर कर रहे हैं क्या ये लोग, चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं। सर बहुत सारे स्क्रैप्स लेकर आ चुका हूँ मैं, फटाफट से आप इनको चेंज करके पुलिस की गाड़ी बनाओ। तो सबसे पहला स्क्रैप रख दिया गया है गाइस इस चैम्बर के अंदर, इस अपग्रेडिंग चैम्बर के अंदर, एंड देखते हैं ये कैसी पुलिस की गाड़ी बन के आती है। जस्ट वेट एंड वॉच। रेडी हो गई क्या? ओ तेरी, ओ भाई साहब, सर ये तो पूरी पुलिस की गाड़ी लग रही है। अरे वाह, इस पर तो सायरन वायरन भी लग के आ गया। देखो गाइस ये वही गाड़ी है, ये जो रेड कलर की यहाँ पे स्क्रैप पड़ा हुआ है इससे ये क्या अल्टीमेट लुकिंग पुलिस कार बन गई भाई। ओ तेरी सायरन काम कर रहा है इसका, वो नाइस सायरन भी काम कर रहा है यार एकदम बढ़िया, क्या बात है। पुलिस वाले खुश हो जाने वाले हैं भाई, ये गाड़ी देख के पुलिस वाले डेफिनेटली खुश हो जाने वाले हैं। फटाफट से करके बाकी गाड़ियों को भी चेंज करते हैं इसी वाली गाड़ी के अंदर। लेट्स गो, ये तीन जो गाड़ियाँ आएगा ये ऐसी बनेंगी, बाकी नीचे वाली जो गाड़ी है ये थोड़ी डिफरेंट पुलिस कार बनेंगी, पहले रेड वाली को चेंज करते हैं। एंड यहाँ पर फाइनल गाड़ी भी रेडी हो चुकी है, ये रही एंड ये थी अभी की फिलहाल चौथी गाड़ी जो एक जैसी दिख रही है। चलो भाई इसको भी इधर साइड में लगा देते हैं एंड बाकी वो जो अब दूसरे वाले तरीके के स्क्रैप्स हैं अब उनका यूज़ करते हैं एंड उनको दूसरी गाड़ियों में चेंज करते हैं पुलिस की। चलो भाई बारी है इसकी, यहाँ से शुरू करते हैं, देखना ये है कि अब ये वाली गाड़ी कैसी पुलिस की गाड़ी में चेंज होती है। चेंज करो सर फटाफट से, चेंज करो इसे, अपग्रेड करो। एंड यहाँ पर ये पुलिस की गाड़ी भी पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है एंड यस ये उस वाली गाड़ी से थोड़ी सी डिफरेंट तो लग रही है एंड इसका भी सायरन एकदम परफेक्टली काम कर रहा है भाई, पुलिस वाले लिटरली में भाई खुश हो जाने वाले हैं। चलो सर बाकी उन तीन गाड़ियों को भी कर दो। फिलहाल रात हो चुकी है एंड ये फिलहाल रात को ये चैम्बर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। यस रात को तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बट इससे भी खूबसूरत चीज़ है यहाँ पर, ज़रा एक बार तुम लोग ध्यान से देखो भाई, ये सारी गाड़ियाँ पुलिस वालों के लिए गाड़ियाँ हैं भाई एंड इन सारी गाड़ियों को हम लोगों ने बनाया है स्क्रैप कार से। एंड तुम लोग भाई देखो तो सही कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी हैं ये, ज़रा काउंटिंग शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4 ये हो गई एंड ये 5, 6,
सातवीं है, आठ, 17, 18, 19 एंड ये 20। 20 तो ये हो गई एंड 3 इधर हो गई, तो 23 के लगभग गाड़ियां हमारे पास, 23 पुलिस कार्स हम लोगों ने बना दिया भाई। एक बार ड्रोन से दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो ये सारी की सारी गाड़ियां पुलिस वालों की गाड़ियां हैं, 23 पुलिस कार्स। कितनी सारी लग रही हैं भाई ये पुलिस की गाड़ियां। फिलहाल 23 है, हमें 23 ऐसी और बनानी है, आई गेस सुबह तक रेडी हो जाएंगी एंड फिर हम लोग लॉस सैंटोस की पुलिस वालों को एक एक करके सारी गाड़ियां दे देंगे एंड फिर हम लोग बाइक बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो रिपेयरिंग वाला चैम्बर है ये भाई बाइक्स को भी अपग्रेड कर सकता है, तो वो भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। एंड देन हम लोग पुलिस की बाइक्स बना के पुलिस वालों को पुलिस की बाइक्स भी गिफ्ट कर देंगे। इस तरीके से लॉस सैंटोस की पुलिस के पास फिर से बहुत सारी गाड़ियां हो जाएंगी एंड इस तरीके से लॉस सैंटोस की पुलिस वापस से रिच पुलिस दिखने लग जाएगी, वरना तो अभी तक भाई बिल्कुल ही हालत उनकी खराब चल रही है, बिल्कुल ही गरीब हैं सारे के सारे पुलिस वाले इस वक्त। देखते हैं इन सभी चीज़ों से उनकी हालत सुधरती है या फिर नहीं, आएगा सुधर जाएगी भाई आराम से। अगर मान लो कितने पुलिस स्टेशन है लॉस सैंटोस के अंदर, लगभग 5-6 पुलिस स्टेशन है, हर पुलिस स्टेशन में हम लोग 10-10 गाड़ी भी दे दें तो भी उनका काम हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड स्क्रैप तो बहुत सस्ता है यार, इतना मान के चलो तुम लोग 1,00,000 में आराम से मैं 30-40 गाड़ियाँ बना दूंगा, बताओ इतना सस्ता है स्क्रैप है। चलो और भी लेकर आते हैं एंड बनाते हैं। तो यही प्रोसेस बार बार करने के बाद देखते हैं आखिर 1 हफ्ते बाद पुलिस वालों की क्या हालत सुधरी। भाई लगभग लगभग 1 हफ्ते बीत चुके हैं एंड पिछले 1 हफ्तों में भाई हम लोगों ने पुलिस वालों को बहुत सारी गाड़ियां प्रोवाइड की, बहुत सारी बाइक्स प्रोवाइड की एंड लॉस सैंटोस के हर पुलिस स्टेशन पे लगभग लगभग 30-40 गाड़ियां हम लोगों ने प्रोवाइड की है। मुझे लगता है इनसे इनकी हालत सुधर गई होगी, अब तो पुलिस वालों के पास हेलीकॉप्टर भी आ गया होगा, क्योंकि देखो भाई हम लोगों ने जो स्क्रैप से गाड़ियां बनाई पुलिस वालों के लिए वो तो बनाई ही, बट स्क्रैप से हम लोगों ने सुपर कार्स वगैरह भी बनाई एंड उनको बेच के भाई पुलिस वालों को पैसे दे दिए, तो अब पुलिस वालों ने अपने लिए इमरजेंसी वाले वो पुलिस स्पेशल हेलीकॉप्टर भी खरीद लिए हैं, तो आई गेस अभी पुलिस वालों की हालत काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी, अब उन्हें साइकिल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। एंड यस एज यू कैन सी साइकिल हट चुकी हैं एंड पुलिस की वही गाड़ियां वापस से दिखने लग गई हैं, वही सारी गाड़ियां। ओ भाई अच्छा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ओके ओके वापस से सारी गाड़ियां वही दिखने लग गई है। चलो ज़रा पुलिस वालों से मिल के आते हैं, देखते हैं क्या हाल चाल है उनके। कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं भाई सारी गाड़ियां एंड पता भी नहीं चल रहा है कि ये सब स्क्रैप से बनी हुई हैं एंड मैंने टेस्टिंग नहीं की थी यार उस दिन, चला के देखते हैं चल भी रही है। ओ नाइस, चल तो अच्छी खासी रही है भाई ये। ओ काफ़ी ब्यूटीफुल भाई, बढ़िया, एकदम ही बढ़िया है, सही सही मक्खन चल रही है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है ये स्क्रैप से बनी हुई सारी की सारी गाड़ियाँ हैं। खैर आ गए हैं पुलिस स्टेशन एंड अबे ये कौन है, पता नहीं कौन है। हेलो सर, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेरे लिए एक सरप्राइज़ है। क्या सरप्राइज़ है, पुलिस स्टेशन के पीछे जाके देखूँ। अच्छा मेरे लिए क्या सरप्राइज़ हो सकता है यार, पता नहीं भाई, जरा चल के देख लेते हैं, उस तो तगड़ा सरप्राइज़ होगा पुलिस वालों ने कहा है तो। पुलिस स्टेशन के पीछे चलते हैं एंड देखते हैं क्या है सरप्राइज़ मेरे लिए, क्या सरप्राइज़ दे रहे हो भाई पुलिस वालों। ये तो मेरी ऑडी R8 है भाई, अरे ये तो मेरी ऑडी R8 है जो मेरे घर से 1 हफ्ते पहले चोरी हुई थी, इन लोगों ने ढूंढ निकाली। अरे वाह भाई सही है यार, मैंने पुलिस वालों को गाड़ियाँ वाड़ियाँ प्रोवाइड कर दी, वरना तो साइकिल पे कभी ज़िंदगी भर मेरी ऑडी R8 नहीं ढूंढ पाते ये लोग, बट यहाँ पर तुम लोग देखो भाई मेरी ऑडी R8 मिल गई ब्यूटीफुल ऑडी R8। सर वो चोर को आपने कहाँ पकड़ा और कहाँ है वो चोर। अरे यार क्या ब्यूटीफुल लग रही है, देख रहे हो तुम लोग, जरा उस बाइक को देखो, ये बाइक मुझे इसी के संग फ्री मिली थी साइमन के स्टोर से एंड ये देखो दोनों हैं कि नहीं भाई एक ही कलर की, तो ये इसी के संग ऑफर चल रहा था 1 करोड़ के अंदर ऑडी R8 एंड देन बाइक भी फ्री थी, तो इसलिए मैंने खरीदा था और उस एक चोर ने नालायक चोर ने मेरी गाड़ी चुरा ली। सर वो चोर कौन है, यही है तेरी ऐसी की तैसी नालायक, मेरी गाड़ी क्यों चुराई भी तूने मेरी गाड़ी क्यों चुराई। सर डालो इसे जेल में डालो फटाफट, बाकी मेरी ऑडी मिल गई। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आप लोग क्यों थैंक यू कर रहे हो सर, ये तो मेरा फर्ज था, ऐसे थोड़ा ना देख सकता था मैं लॉस सैंटोस को पुलिस वालों को साइकिल पे स्ट्रगल करते हुए। कितना अजीब लग रहा था उस दिन जब एक पुलिस वाला साइकिल चला रहा था भाई, चलो चलो तुम्हारे घर चलते हैं चोर को पकड़ेंगे। अब कोई बात होती है ये, वो चोर तो आराम से पैदल भी भाग जाएगा। ओके सर बढ़िया तरीके से आप लोग ड्यूटी करो और इसी तरीके से चोरों को पकड़ते रहो, बाकी मैं निकलता हूँ अपनी ऑडी R8 लेके निकलूँ या फिर बाइक। पहले एक काम करते हैं अपनी गाड़ी लेके घर पे रख के आते हैं
एंड देन बाइक लेके निकलते हैं। अरे यार ये फिर से ना चोरी हो जाए, काम करता हूँ पहले बाइक रख के आता हूँ, क्योंकि पुलिस स्टेशन के आगे से तो चोरी नहीं होगी ये गाड़ी। हाँ पहले ये बाइक रख के आते हैं घर पे एंड फिर ये गाड़ी लेने के लिए आएंगे। चलो आ गया भाई घर की तरफ आ गया। अब ज़रा उस ऑडी R8 की टेस्टिंग तो कर लूँ भाई। उस दिन मैं बस साइमन के शोरूम से ऑडी R8 अपने घर तक लाया था एंड उसके बाद वो चोरी ही हो गई, तब से मैंने वो गाड़ी कभी चलाई ही नहीं। अब जाके फुल मौका मिला है उसकी टेस्टिंग का, तो फटाफट से ये बाइक घर पे रख के चलते हैं टैक्सी पकड़ के भाई पुलिस स्टेशन एंड देन हम लोग टेस्टिंग करेंगे उसकी। मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा ही आ जाएगा। चलो 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 बाइक। अरे यार ये बाइक क्यों बाहर छोड़ रहा हूँ, गैराज में रख देता हूँ, वहाँ सेफ रहेगी। चल चल गैराज, फटाफट से ओपन हो जा भाई। यहाँ पर रख दी अपनी बाइक एंड हियर वी गो। चलो भाई फटाफट से टैक्सी पकड़ के निकलते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ और चलाते हैं अपनी ऑडी R8। आ गए वो रही दूर से चमक रही है ब्यूटीफुल येलो कलर में। चलो बैठने दो मुझे। ओके ये वाला स्टाइल जो है सबसे एपिक है। ये देखो ऐसे नॉर्मली दरवाज़ा खोलना पड़ता है, बट ये जो जंप है इसका एक अलग ही फील है। ये चीज़ फील कर सकते हो तुम लोग सिर्फ और सिर्फ एक स्पोर्ट्स कार हो जब तुम्हारे पास, तब ये जो जंप वाला फील है वो अलग ही है। इधर से तो देखो गाड़ी खोल के ही मज़ा आएगा, लेकिन इधर से ये जो जंप है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। फिलहाल अब मैं जंप क्यों नहीं कर रहा है, एक सेकंड पहले उधर का दरवाज़ा बंद करूँ मैं क्विकली। चलो भाई हो गया दरवाज़ा बंद। हाँ अब फील करते हैं, ये लो भाई बहुत ही मस्त लगता है ये जंप फिर से। अरे यार बार बार ये जंप क्यों कर रहा हूँ, ले मज़ा आ रहा है। ओके अब चलते हैं इसे लेकर, छत खुली रहने देते हैं एंड भगा दें इस ऑडी R8 को इसकी टॉप स्पीड में। इस हाईवे पे तो नहीं भगा पाऊंगा मैं, इसकी टेस्टिंग के लिए तो रनवे पे ही जाना पड़ेगा। खैर अभी रनवे पे नहीं जाने वाला मैं। ओके क्या हैंडलिंग है, क्या ही एपिक चल रही है, क्या क्रेजी तरीके से लेफ्ट राइट मुड़ती है ये। भाई अभी जाके एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जिस दिन से इस गाड़ी को मैंने खरीदा है आज जाके एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है, वरना तो इतने दिनों से वो चोर एक्सपीरियंस कर रहा था। खैर पुलिस वालों ने भाई क्या पकड़ा है भाई चोर को, मैं तो जस्ट एक हफ्ते बाद देखने आया था कि भाई इनकी हालत सुधरी कि नहीं, बट हालत तो इतनी ज़्यादा सुधर गई है कि भाई चोर पकड़ के मेरे सामने रख दिया इन लोगों ने और मेरी गाड़ी भी ढूंढ निकाली। वरना ऐसा होता है चोर पकड़ लिया गाड़ी मिलती नहीं है, लेकिन गाड़ी भी मिल गई चोर भी मिल गया, क्या बात है भाई। लॉस सैंटोस की पुलिस वालों, लॉस सैंटोस की पुलिस के लिए एक लाइक तो बनता है यार अगर अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया है तो, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम एंड एक्स पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।